अस्सलाम वालेकुम, नई व्लॉग के साथ आपका चैनल वाला शगा जमार। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त को हुआ क्या था? यौम आज़ादी, हम आज़ाद हुए थे और 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 अवकात में बहुत सी चीज़ें वाजी की थी। दो कौमी नज़रिए भी हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान बना किस मकसद से? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन उसका रहनुमा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना, जिसमें तमाम अकलतियों को अपनी अपनी इबादतगाहों पे इबादत करने की खुले इख्तियार थे। पाकिस्तान में दो कौमी नजरिया पेश किया गया, जिनमें कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशहूर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लोगों को अपनी शायरी के जरिए बेदार किया। और इसी वजह से हम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। यौम आज़ादी मनाने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, नमाज पढ़ना और लोगों के साथ सिला रहमी करना। तो हमारे ब्लॉग में साथ रहिएगा। मेरे वतन में ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले और शुमार तुझ पे निसार आशा, ट्राई करो कैसा है। लाल खाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम मुस्तफा पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद का पाकिस्तान, मेरे पापा का पाकिस्तान, मेरे दादा का पाकिस्तान, मेरे पापा का पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम सब की तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो। फातिमा की तरफ से भी, बिलाल की तरफ से भी और जाशा की तरफ से भी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।